वेल स्मैकडाउन के अंदर पैट मैकाफी को कौन मिस कर सकता है भाई, मतलब माइकल कोल के सर के ऊपर चढ़ के नाच रहा है बंदा, वाओ। वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में बात करने वाले सम रेसलिंग रिलेटेड न्यूज के बारे में एंड सम मेरे ओपिनियंस के बारे में भी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। वेल जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि आज के स्मैकडाउन में हमें जेलिना वेगा का रिटर्न देखने को मिल चुका है एंड जेलिना वेगा रिटर्न करके मनी इन द बैंक में मतलब उनका मैच भी हो चुका है, मतलब मनी इन द बैंक के लैडर मैच में वो होंगी ये भी अनाउंस हो चुका है। तो वेल जैसा कि आज हमें जेलिना वेगा का स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न देखने को मिला, तो वेल उस रिटर्न के बाद तो उसके साथ साथ जेलिना वेगा के रिटर्न के साथ साथ मतलब जो अलेस्टर ब्लैक हैं, अलेस्टर ब्लैक भी ट्रेंड करने लगे हैं एंड अलेस्टर ब्लैक को भी वापस लाओ ये मतलब ट्रेंड कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप जब जेलिना वेगा रिटर्न करी दी हैं तो मे बी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अलेस्टर ब्लैक का कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है रिटर्न हमें देखने को मिल जाए। एंड जैसा कि बैक स्टेज में सभी लोग बातें कर रहे थे अलेस्टर ब्लैक के बारे में, सो मे बी हो सकता है कि हमें ये थिंग जो कि आगे चल के पॉसिबल होती हुई दिखाई दे जाए एंड अलेस्टर ब्लैक एक बार फिर से हमें WWE के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, जो कि ओवरऑल अच्छी बात होगी। एंड अलेस्टर ब्लैक को मैं वापस से WWE के अंदर देखना चाहूंगा पर्सनली, मैं भी यार मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा यार वापस से अलेस्टर ब्लैक को देखना। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि बॉबी लैशली एंड MVP की तरफ से आ रही है। तो वेल जैसा कि तुम लोग को पता है कि MVP फिलहाल जो कि इंजर्ड चल रहे थे, तो वेल यहाँ पे अगले मंडे नाइट रॉ में हमें MVP वेल उनका हमें इन रिंग एक्शन मतलब इन रिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल यहाँ पे जो मैच पहले से प्लान था जो कि बॉबी लैशली वर्सेज का, तो वेल इस मैच को अब बदल दिया गया है। अब ये हमें मैच जो कि देखने को मिलेगा बॉबी लैशली एंड MVP वर्सेस जो कि जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन के बीच में। सो मतलब अब ये टैग टीम मैच हो चुका है जहां पे बॉबी लैशली एंड MVP साथ में होने वाले हैं एंड इन दोनों लड़ेंगे नरूडे से, जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन से। सो वो MVP इन रिंग में एक्शन में आ चुके हैं, सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा फिर आगे हमें क्या थिंग्स देखने को मिलती है। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते, वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि कीथ ली के रिटर्न की तरफ से आ रही है। तो वेल जैसा कि तुम्हें पता है कि मिया यिम जो कि से उनकी, सो वेल यहाँ पे हमें कि मिया यिम ने अपना मतलब उनका जो पॉडकास्ट हुआ था टेबल स्टॉक में, तो वेल उसमें उन्होंने कहा कि मिया यिम ने उनसे अगर रिटर्न के बारे में पूछा गया कीथ ली के रिटर्न के बारे में, वेल कीथ ली के रिटर्न के बारे में सीधा सीधा मना कर दिया उन्होंने बात करने के लिए। वेल जो कि ओवरऑल अब देखते हैं क्या होता है, कीथ ली का हमें रिटर्न कब देखने को मिलता है एंड आई होप कि हमें कीथ ली का जल्दी ही रिटर्न देखने को मिल जाए एंड वही तो एक एक्टिव मॉन्स्टर है जो कि खतरनाक है। सो ओवरऑल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमें कीथ ली का रिटर्न कब तक देखने को मिलता है एंड कब तक नहीं देखने को मिलता है। वेल तो नेक्स्ट वन एक और मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन मॉन्स्टर जो कि ब्रॉन्सन रीड। वेल तो यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने एक अच्छी खासी इच्छा जताई जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मैं मेन रोस्टर में जा रहा हूँ तो वेल मेन रोस्टर में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेस करना चाहूंगा रोमन रेंस को, अगर मुझे स्मैकडाउन के अंदर मूव किया जा रहा है तो या फिर कहीं मेन रोस्टर में मुझे डाला जा रहा है तो मैं रोमन रेंस को सीधे सीधे फेस करना चाहूंगा, जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा देखना ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। तो इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस है वो मुझे जरा बता देना। तो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है एंड ये है ट्रिपल एच की तरफ से। वेल ट्रिपल एच जैसा कि तुम लोगों को पता है कि द रॉक एंड जॉन सीना इन दोनों का हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, अभी तो मिला नहीं है, वेल मिल सकता है। एंड जॉन सीना का रिटर्न तो हमें हाल ही फिलहाल में देखने को मिल सकता है एंड द रॉक का हो सकता है कि हमें सर्वाइवर सीरीज या फिर सर्वाइवर सीरीज तक तो हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर मतलब एक टाइम का अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकता है, वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में ट्रिपल एच ने सीधे सीधे बात किया एंड ट्रिपल एच से जब पूछा गया तो वेल ट्रिपल एच ने इसके बारे में बात कहा कि वेल देखो जॉन सीना एंड द रॉक दोनों चाहे कितने भी बिजी हो, कितने भी किसी भी काम में बिजी हो, अगर उनको WWE से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ये मौका नहीं छोड़ते हैं एंड वो जरूर WWE के अंदर आते हैं। सो ये भी हमारे ओपिनियंस है कि हो सकता है कि हमें द रॉक एंड जॉन सीना कभी ना कभी जल्दी जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगे। सो वेल ऐसा कहना था ट्रिपल एच का, जो कि ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हरी झंडी है जो कि द रॉक एंड जॉन सीना के रिटर्न को लेकर। सो ओवरऑल अगर ये थिंग हमें देखने को मिल गया सो मतलब तुम समझ ही सकते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड ओवरऑल जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस ये तो रूमर्स में है समर स्लैम के लिए एंड रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ये तो रूमर्स है रसलमेनिया के लिए। सो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें देखने को मिल सकता है जो कि इंटरेस्टिंग तो होगा ही। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन तो मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि अगले स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेगा सीजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच, जो कि सेथ रॉलिंस तो गए थे वापस से मैच के लिए डिमांड करने लेकिन उनको मैच क्या मिल गया, सेथ
सेथ रॉलिंस और सिजारो का, एंड सेथ रॉलिंस हंसते हंसते, मतलब यार गुस्सा तो था ही उनके अंदर, लेकिन क्या करे वो अपने हंसते हंसते कैसे भी करके निकल गए। एंड इसके बाद तो फिन एक और मैच हमें कन्फर्म होते हुए दिखाई दिया मनी इन द बैंक क्वालिफाई के लिए, एंड ये है बैरन कॉर्बिन वर्सेस नाकामुरा। तो वेल दो मैचेस जो कि अगले स्मैकडाउन के लिए मनी इन द बैंक में क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई करने के लिए मनी इन द बैंक के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। एंड इसके बाद तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच अनाउंस हुआ है, और ये है बेली वर्सेस जो कि बियांका बलेयर का। एंड बेली वर्सेस बियांका बलेयर के मैच में एक अच्छी खासी स्टिपुलेशन ऐड हुई है, और ये स्टिपुलेशन ऐड हुई है जो कि आई क्विट मैच। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अब ये जो बेली और बियांका का है ये मैच आई क्विट बन चुका है, सो देखते हैं इसमें क्या हमें थिंक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमें अनाउंस होते हुए दिखाई दी गई हैं, सो मतलब अब तो देखना रहेगा इंटरेस्टिंग। सो वेल आपका क्या ओपिनियन है इन सारी न्यूज़ के ऊपर, एंड कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।